बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस तरह मेरे सारे भैन भरा ठीक आ? मैं भी कहती मेरे सारे भैन भरा खरीत नाल होंगे, अलहमदुल्ला अभी बिल्कुल खरीत नाल हाँ। तो अज की मतलब मैं अपने भैन भरा वाले शॉर्ट वीडियो बना के शेयर करना चाह रही हाँ। तो जैन पापा ने कॉल की, कह रहे थे कि तुम फौरन तैयारी करो, गाँव चो कॉल आई है कि छोटी मतलब भाभी की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। मैं क्या ठीक हो गया? तो कहते तुझे अपने सही तौर पर तैयारी करके रखना, कि उन्होंने जरा अमरजेंसी दसिया गया सी, अमरजेंसी हॉस्पिटल लैके गए छोटी भाभी को, मतलब बहुत ज़्यादा हालत खराब सी। जो उत्थे लैके गए ने तो फिर जैन के पापा मतलब रबते च रहे हैं, वह मैंने इन्ना टाइम ना आगाह कर दिता से तुम तैयारी करके रखना। तो कॉल आई जैन के पापा ने, उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने दो बेटे दिते से, दोनों बेटे की डैथ हो चुकी है, तो भी एक की पहले हुई है एक की बाद हुई है। तो सन सुन के बहुत अफसोस होया। जैन के छोटे चाचू से, छोटे तो मतलब छोटे छोटे छाती होने वाली है, छोटे तो जोड़ा व्डा वा वो मतलब भी अल्लाह मियाँ ने दो पहले बेटियां दीतिया से, हूँ दो जुड़मे बेटे से, और बेटे बहुत प्यारे से लगते नहीं सके कि माशाला भी सेहत भी बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छे से मतलब सेहत प्यारी सी, बच्चे की हैल्दी सी बच्चे। तो पता नहीं सुबह अचानक उन्होंने तबीयत खराब हुई, जो अमरजेंसी हॉस्पिटल लैके गए, हॉस्पिटल वाले दसाया कि माँ को भी खतरा, बच्चों को भी खतरा वा, दोनों बच्चों को खतरा वा, है भी दोनों बेटे ने। तो जैन के पापा ने ना जो रबता किया वा, तो उन्होंने दिली तौर पर बहुत ज़्यादा अफसोस होया। तो सुन के भी अल्लाह मियाँ खैर करे, सारी गल आ कि अल्लाह मियाँ कहते ना ना औलाद मिलती है, जिंदगी नहीं मिलती, इंसान नहीं मिलता ठीक है ना, तो ना औलाद मिलती है, तो ना जरा इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। इन्हें सुन के बड़ा मन लग्या। फिर इन्होंने खैर जिन्हें इन्होंने कॉल आई, इन्होंने मैंने कॉल की है कि इस तरह भाभी की तबीयत खराब है, तुम अपने जहनी तौर पर तैयारी रखना। मैं ठीक है कि उन्होंने इस तरह दस्या डॉक्टर ने ना। तो मैं घर च मिस्त्री भी लगे सी, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, फिर उस तरह मैं मिस्त्री को खाना वगैरह दे के, अज मैं ब्लॉग भी नहीं अपना बना सकी, मिस्त्री को खाना वगैरह दे के हटी हाँ। तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर लगी हाँ, तो उतु ही जो जैन के पापा की कॉल आ गई है कि अल्लाह ताला ने दो बेटे दिते हैं, दोनों बेटों की डैथ हो चुकी है, तो जिनी जल्दी हो सकता कि तुम तैयारी कर लो। मैं क्या ठीक हो गया, अल्लाह सुना खैर करे, अल्लाह मियाँ उस माँ को सबर दे जी इन्नी मतलब कि टूट चुकी है, कि एक माँ जी पूरे नौ माँ एक बच्चे पेट च रखना, उन्होंने पूरे नौ माँ का वजन उठाना, पालना अपने पेट के, फिर उन्होंने जन्म देना, हाँ जी एक मिनट बेटे, जन्म देना, फिर बच्चे की परवरिश करना माँ वास्ते, मैं हमने उतार दी कपड़े, तो बच्चे वास्ते बहुत माँ वास्ते बच्चा एक कीमती भी बहुत होता, संभालना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं तैयारी की, फिर सुन कर नैन दे जैन के पापा कहते सिर्फ घर छोड़ के जाना नहीं, नाल लैके जाते, फिर इन्हें पता लग गया कि जा रहे हैं, ये भी जिद करने लग गया, फिर इन्होंने भी तैयारी कराई, नहीं तो फातिमा आ गई मैं चिकन स्कूल चो तैयारी कराई, तैयारी करा के असं जो रास्ते गए हैं बड़ी कहते ना जो जल्दी पहुँचना हो उदो पास कर बहुत रास्ते मुश्किल आदि जी बेटे, हाँ जी फिर रोड भी रास्ते पटिया हुआ सी, रोड भी नवा बन रहा है, तो जाना भी थोड़ा जहा बहुत मुश्किल, गए थे असं मोटरसाइकिल से, तो बड़ा मुश्किल ना जाके असर तो बाद मतलब बच्चे का नमाज ना सी दोनों बच्चों का, तो असं बहुत लेट पहुंचे, साड़ी वजह तो उन्होंने बेचारा ने जरा बच्चों वेट करवाया इन देर, तो असं उतो जरा हम निकले हाँ, टाइम हो गया साढ़े को, टाइम दिखाओ जरा, 9:50 टाइम हो चुके, टाइम जैसे अपने भैन भरावों ने दिखाता वा कि 9:50 हो गए, जाने के 10 बज गए ने, 10 मिनट रेंदे 10 बजन च, ताकि असी जो वापसी आए हैं उतों जाते भी सब रास्ते, हल्की फुल्की बारिश हुई मुल्तान च, बिल्कुल बारिश का कतरा भी नहीं आया, जो वापसी असी आए हैं तो बस्ती में लोग सन उत्थे बारिश शुरू हो गई, इन्होंने मैंने बढ़ाता मैट्रो में, मैं और जुलकर नैन दोनों मैट्रो च आए हैं, तो जैन के पापा जोड़े आ मोटरसाइकिल से आए, तो असी हमने ही घर पहुँचे आए आया, तो टाइम देखा वा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया वा, तकरीबन 10 मिनट रेंदे आ 10 बजन के, तो असं हूँ घर पहुँचे हैं, हम घर पहुँच गए हैं, तो अल्लाह खैर करे, मैं क्या मैं अपने भैन भरावान वीडियो बना के छोटी जी शेयर कर लवा, तो हूँ जरा मैं थोड़ा जहा नहाँ फ्रैश हूँ, फिर उस तो बाद खाना वगैरह खाने मंगाने मंगा के खाने, मेरे बच्चे घर से मेरे बच्चे तो खा चुके हैं मंगवा के, टाइम ना इन्होंने मंगवा लिया होटल तो, क्योंकि मेरे घर के नज़दीक ही होटल है, इन्होंने खा लिया वा, मैं और जैन के पापा दोनों असी रह गए खाना खाने वाले, असं खाना वगैरह खाने, तो काफ़ी जो थकावट हो गई है, असं गए भी हाँ,
ਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੀ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਹਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਵੱਢੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੱਕੀ ਵੱਢੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਦੇ।